चलिए, गिव व्हेन आस्क्ड, क्या होता है कि अगर इसको हिंदी में बोलें, यस आईफोन ग्लव, क्या बात है, अपना नाम लिख दिया कि जब मैं आईफोन गैलेक्सी रियलमी यही बोलती रह जाती हूँ, यस मीनाक्षी, यस डोंट कीप, क्या बात है, सब ऑलरेडी स्मार्ट है यहाँ पे, यस मतलब कि तभी दिया जाए जब पूछा जाए, ठीक है। क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फैमिली में या हमारे फ्रेंड्स में कोई हमारे नियर बाय किसी ना किसी वजह से डिस्टर्ब है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इशू है, कोई भी दिक्कत है, तो हमारा दिल ये करता है कि हम उसकी हेल्प करें, है ना, क्योंकि सभी का होता है दिल से अटैच होते हैं, तो सबका ये मन करता है हम हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारा नोन है, हमारा फ्रेंड है, हमारा रिलेटिव है, और उसको जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, हमें आइडिया है, हमें हम एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं, है ना, तो हम हमेशा उसको सजेशन देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारा इंटेंशन बुरा नहीं होता, हमें पता होता है कि ये सजेशन डेफिनेटली काम करेगा, क्योंकि हो सकता है मैंने उसको अपनी लाइफ में काम कराओ या किसी और को भी उस सजेशन को यूज करके, है ना, वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए देखा हो। तो यहाँ पे क्या है कि जब आप किसी को अपना सजेशन देते हैं तो आपकी जो गिविंग वाली एनर्जी है आपका पूरा फोकस उस पे होता है ना, कि यस मैं अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से उसके लिए बहुत हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमेशा हमें इससे पहले, जैसे ही हम अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, जैसे ही हम अपने सजेशंस दे रहे हैं, उससे पहले ये देख लें कि आगे वाला जो है वो रिसीविंग मोड में है या नहीं है। होता है ना कि अगर अगर घर पे कुरियर आया और लॉक है घर पे, तो वो चला जाएगा वापस, ऐसा थोड़ी है कि, है ना, लॉक है, आप हो ही नहीं घर पे, लेना ही नहीं चाहते हो, तब भी वो किसी तरीके से दरवाजे के नीचे से इधर उधर से ठूस के जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, ले गया वो वापस कुरियर। वैसे ही हम नॉर्मली करते नहीं है कि सामने रिसीविंग मोड में है या नहीं है, हमने चेक नहीं करा और हमने सजेशन देना चालू कर दिया। यस मीनाक्षी, यस। तो ये जो एडवाइस है ये हमारे पास हमेशा बहुत अच्छी होती है, और जब दे रहे होते हैं ना तब तो ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, आराम से अप्लाई हो सकती है, मैं जो बोल रहा हूँ वो तो बहुत इजी है इसके लिए करना, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी एडवाइजेस ऐसी होती हैं जो बोलना आसान होता है, थोड़ा करना मुश्किल होता है। सेकंड, अगर दूसरा पर्सन रिसीविंग मोड में नहीं है तो भी आपकी एनर्जीज जो हैं वो वेस्ट जा रही हैं। अब इसको हैप्पीनेस से कैसे जोड़ा, मतलब कि ऐसा, यस मोनिका, मैं थोड़ा सा चैट पे, सॉरी मैं ध्यान कम दूंगी बिकॉज मेरा फिर फोकस हटता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। मैं अभी ये सेशन के बाद में तीनों ग्रुप्स पे चैट ओपन करूंगी, इफ यू वांट टू डिस्कस और वांट टू गिव एनी सजेशन, क्योंकि आप ऑब्वियसली सबके पास सजेशन है, सबके पास आइडियाज है, तो यू कैन गिव इन द ग्रुप। तो क्या होता है कि इसको हैप्पीनेस से कैसे जोड़ा है मैंने, मतलब हैप्पीनेस से क्यों जुड़ा है ये, अगर हम किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, कोई एडवाइस दे रहे हैं, और अगर वो नहीं मान रहा, ठीक है, तो हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट जो आता है, अरे ये क्यों नहीं मान रहा, ये तो बहुत अच्छी सजेशन है, एक बार ये मान जाए, एक बार बस ये मेरी मान जाए ना, बात डेफिनेटली इसकी लाइफ में चेंजेस होने वाले, ये मान क्यों नहीं रहा। हम और ज्यादा फोर्स लगाते हैं, उसको एक एग्जाम्पल देकर समझाया, उसके दिमाग में नहीं बैठ रही, दो एग्जाम्पल देंगे, चार एग्जाम्पल देंगे, हमारा मन करता है कि हम उसके दिमाग में सजेशन को ठूस ही दें, जबरदस्ती उसको अप्लाई करने के लिए रेडी कर दें। अब क्या हो रहा है, जब उसने हमको अपोज करा, उसने हमसे सजेशन ले, मतलब ऑब्वियसली कई जने ऐसे हैं जो आपको सीधा नहीं बोलते कि मुझे सजेशन नहीं चाहिए आपकी, आपको उसके एटीट्यूड से पता चल जाता है ना, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपको एक्साइटमेंट के साथ में नहीं पूछ रहे कि अच्छा और किसी का हुआ इससे भला मुझे भी बताओ, इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है, रिसीविंग मोड में है, आपको सजेशन देनी चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चल रहा है, इतना सा भी पता चल रहा है कि वो रिसीविंग मोड में नहीं है, वो आपसे कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी ज्यादा एनर्जी लगाते हैं, और जैसे ही आप ज्यादा एनर्जी लगाते हैं आपकी विल पावर और बढ़ती जाती है, आप सोचते हैं कि यस मैंने अपनी तरफ से 100% ट्राई करा और डेफिनेटली इसको इससे हेल्प मिलने वाली है, और फिर उसने वो टास्क अगर नहीं करा, आपकी बात नहीं मानी, तो दुख किसको होगा, खुद को, सबसे पहले खुद को दुख होगा।
मैं तो यार अच्छा करना चाहता था, पता नहीं इसने क्यों नहीं मानी, ये मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है क्या, ये मैं इसके साथ हमेशा तो अच्छे रिलेशन मेंटेन करती हूँ, ये मेरे अच्छे फ्रेंड नहीं है क्या, ये मेरे अच्छे रिलेटिव नहीं है क्या। सबसे पहले हम किसको हर्ट करते हैं, खुद को हर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 कि अगर वो रिसीविंग मोड में नहीं है तो भी आप उसको सजेशंस या ब्लेसिंग्स, सजेशंस नहीं सॉरी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। आंख बंद कीजिए और उसको ब्लेसिंग दीजिए कि वो जिस भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि मैं उसका फ्रेंड हूँ, क्योंकि मैं उसका रिलेटिव हूँ, मैं दिल से विश करता हूँ कि वो उस प्रॉब्लम से निकले। वो भी आपकी हेल्प ही मानी जाएगी, वो भी आपकी तरफ से हेल्प में ही काउंट होगा, बिकॉज आपने जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, हिडन ब्लेसिंग्स दिए हैं, वो डेफिनेटली उस तक पहुंचेंगी और उसके लिए काम करेगी। हो सकता है अभी वो जिस भी एनवायरमेंट में है उसमें वो आपकी क्या किसी और की सजेशंस भी लेने के मूड में नहीं हो। सेकेंड, आपकी जो सजेशंस हैं वो हमेशा वहां दी जाए जहां इसकी वैल्यू है, जहां आपको स्पेशली बुलाया गया है, जहां आपको स्पेशली कहा गया है कि यस हमें आपकी सजेशन चाहिए। एक स्टोरी है छोटी सी कि एक बहुत फिजिक्स के बहुत अच्छे लेक्चरर होते हैं, वो एक गांव में जाके ना काफी कुछ फिजिक्स के बारे में बता रहे होते हैं। तो गांव के लोगों को लगता है क्या है, क्या बता रहे हैं, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एक समझदार आदमी ने क्या करा कि वो जो फिजिक्स के लेक्चरर हैं उसको उस गांव के लोगों के सामने से हटा के उस गांव के स्कूल में जहां पे 12th तक की क्लासेस चलती थी वहां पे 11th और 12th क्लास के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। अब वहीं पे वो 11th 12th के जो बच्चे हैं वो उनको मजा आ गया, अरे वाह आज तो हमें बहुत ही अच्छा लेक्चर सुनने को मिला, फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर आए हुए हैं हमारे गाँव में। तो वैसे ही हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारा जो हेल्पिंग बिहेवियर है उसको चेंज नहीं करना है, आपको अपनी जगह बदलनी है। हमेशा उसकी आप डेफिनेटली हेल्प कीजिए जो आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, ठीक है। जो नहीं लेना चाह रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग्स कीजिए, उनके लिए प्रेयर कीजिए। हो सकता है आपकी प्रेयर से, आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से वो कुछ दिनों बाद आप ही के पास आए आपकी सजेशन लेने, ठीक है। तो आज हम मैंने आपको बोला है कि ये सारी हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड जो चैलेंज है प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो अब आप लोग सब मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का जो एफर्मेशन है वो करने वाले हैं, प्लस प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना मिरेकल इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आप लोग सब आराम से ध्यान मुद्रा में, ठीक है, फोकस बढ़ाना है, ध्यान मुद्रा में कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाओ। किसी भी एक ऐसे पर्सन को अपने सामने लेकर आइए जिसके लिए आप हमेशा अच्छा चाहते हैं, आप हमेशा अपनी एडवाइस से उसकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी हेल्प नहीं लेना चाहते। किसी भी एक पर्सन को, चाहे वो आपके पेरेंट में से कोई हो सकता है, आपके ब्रदर सिस्टर में से, आपके फ्रेंड में से, आपके बॉस में से, आपके जूनियर में से कोई भी हो सकता है, उसको अपने सामने लेकर आइए, विजुअलाइज कीजिए, देखिए, अच्छे से विजुअलाइज कीजिए, आंखें बंद रखिए, कमर सीधी रखिए, यस, ऐसा महसूस करें कि वो आपसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, अपनी सारी बात वो कह रहे हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, लेकिन आप शांत हैं, आप चुप हैं और उसकी सारी बात आप गौर से सुन रहे हैं, एंड तक सुन रहे हैं। आपने उसकी बात बिल्कुल नहीं काटी, बीच में अपने सजेशंस देने शुरू नहीं करे, उसकी बात को पूरा सुनिए, अच्छे से सुनिए। ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि अपनी सारी बात कह के उस पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है, वो काफी हल्का फील कर रहा है। और अब आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए, देखिए कि आपके चेहरे पे स्माइल है, आप जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, और आपका अगर कोई बहुत क्लोज है तो आपने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और आप उसे कह रहे हैं सब कुछ
ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम सब कुछ ठीक कर लोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर सकती हो। दिल से उसके लिए दुआ करें, उसके लिए ब्लेसिंग करें, अपने आप से कहें कि मैं बिलीव करता हूं इस टफ सिचुएशन से मेरा अपना फ्रेंड, मेरा रिलेटिव, जिस किसी को भी आपने विजुअलाइज कराए, इस टफ सिचुएशन से कुछ न्यू लर्निंग्स के साथ में ये बाहर आएंगे। मैं हम दोनों के बीच की दूरी, हम दोनों के बीच के डिस्टेंस का सम्मान करता हूं और मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूं कि वो खुद को काबिल मानते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मैं इस चीज की रेस्पेक्ट करता हूं कि मैं जबरदस्ती किसी को एडवाइस नहीं देता, मैं जबरदस्ती किसी के भी मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। मैं अपनी एनर्जीज का रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने सजेशंस का रिस्पेक्ट करता हूं, मैं अपने आइडियाज का रिस्पेक्ट करता हूं। जब कभी भी मेरे दोस्त को इसकी जरूरत होगी मैं तैयार हूं। अपने चेहरे पे मुस्कान देखिए, आपके चेहरे पे एक शांति है क्योंकि आप दिल से चाहते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर आए। आपने उनकी टेंशन नहीं बढ़ाई बल्कि आपने उनके दिल को हल्का किया। अपने दोस्त के चेहरे को देखिए, वो अपने मन की बात आपसे कहकर बहुत खुश है क्योंकि आपने उसको जज नहीं करा, आपने उसको किसी भी चीज के लिए ऐसे नहीं बोला कि तुमने ये गलत करा, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। अपनी फ्रेंडशिप, अपने रिलेशन को और स्ट्रांग होता हुआ देखें। नाउ डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। अपने विजुअलाइजेशन से बाहर आएंगे एंड नाउ वेरी जेंटली विथ स्माइल ओपन योर आईज। यस, कैसा लगा आपको? हल्का लगा? थोड़ा थोड़ी सी हैप्पीनेस आई कि मैं उस बोझ को, उस टेंशन को अपने शोल्डर्स पे कैरी करके चल रहा था जो कि एक्चुअली मुझे करनी ही नहीं थी। ठीक है, तो यही आप खुद को कभी भी हैप्पी कर सकते हैं कि आप अपने उस फ्रेंड को, उस रिलेटिव को जिसकी आप हेल्प करना चाहते हैं उसके लिए आप दिल से दुआ कीजिए और जैसे ही यस धैर्य, यस, तो जैसे ही वो हेल्प के लिए आपके पास आएंगे, आपके सजेशंस के लिए आपके पास आएंगे, तो डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे सजेशंस हैं और आप हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन, सेकेंड डे का टास्क, यस, अब आप लोग सब, यस यस दीपाली, गुड, यस, सेकेंड डे का टास्क, अपनी डायरी निकालिए और 5 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स लिखिए। इमीडिएट आ जाइए। यस वेलकम डेरियर, डे 2, टॉपिक
टॉपिक आप ग्रुप में से लिख लीजिएगा अगर अभी लेट हो रहे हैं तो. गिव व्हेन आस्क्ड. यस इमीडिएट लिखिए किस किस चीज के लिए ब्लेस्ड फील कर रहे हैं फटाफट से. रिपीट नहीं होनी चाहिए, कल की चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए, कुछ नया लिखिए.